लखनऊ पहुंचे डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को परखा। इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर डिप्टी सीएम भड़के भी। वहीं इलाज की गुणवत्ता और अस्पताल में स्टाफ के व्यवहार का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम अस्पताल के फर्श पर बैठे 80 साल के बुजुर्ग शिवराम से भी मिले। ब्रजेश पाठक ने बुजुर्ग का नीचे बैठकर हालचाल लिया। शिवराम ने बताया कि सुबह से आया हुआ हूं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा अधीक्षक को बुजुर्ग का तत्काल उपचार करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई में मिली खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर को हर हाल में साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। इसके बाद डिप्टी सीएम अस्पताल के ओपीडी पहुंचे। पर्चा काउंटर पर पहुंचकर उन्होंने लाइन लंबी ना होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आए हुए मरीजों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाए। अस्पताल का निरीक्षण करके हमने देखा है मरीजों को सुविधाएं मिलने की नहीं मिल रही, उनकी भावनाओं की जानकारी हमने ली, चिकित्सकों से भी बात की है और जो साफ सफाई है उसके लिए कहा है कि तत्काल जो गंदगी है, जो बेसिन गंदे हैं, छतों से जाले लटक रहे हैं, पेड़ की जड़ें आ गई हैं, तत्काल दूर करें। और महानिदेशालय से भी कोई एक व्यक्ति आकर के जाँच करेगा और अस्पताल परिसर को बेहतर